करला। क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? मैं नहीं बताऊंगी, तुम गैस करो। आज इसे जूस मिल गया पीने को। यार तुम रहने दो। पाजी, आज हमारे TPL का फाइनल मैच था और AAC ने 10 विकेट से जीता है। ओए होए होए होए। AAC मतलब? ऑटो एसोसिएशन ऑफ चेंबूर। और पाजी, मैंने आज ट्रिपल सेंचुरी मारी है। अच्छा? सपनों में? नहीं, मैच में। रियली? ये सेंचुरी इसकी छोटी बहन का नाम है, 3 बार मार के आई उसको। देखिए, आज हमारी टीम ट्रॉफी लेके आई है और हमारे यहाँ नेशनल टीम आई हुई है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हेलो एवरीवन, क्या बात है। सारा कुछ उसको पता होता कौन आने वाला है। हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की मेंबर्स आ रही हैं, उस हिसाब से कपड़े पहन के इधर आगे बोलती थी व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपको पता, सड़क पे जा रही थी उस दिन, वो बेचारा भिखारी खाना खा रहा था, कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप खाना खा रहे हैं, मुझे भूख लगी है। झूठी है ना ये। वैसे मिताली गर्ल्स, दिस इज माय टीम। वहाँ पे मैरी कॉम, सानिया, साइना और साक्षी। इधर आओ, इधर आओ। कौन सी क्रिकेट टीम है? पहले तो साइना देखता हूँ मैं। इतनी मिलावट है ना इस शो में, तुझे शर्म नहीं आता? लड़कों को लड़कियां बना के लेके आई है। ये देखो पाजी, लड़कों को लड़कियां बनाने में प्रॉब्लम किसको हो रही है? किसको हो रही है? लड़कियां बना बना के तुम फिल्म बना सकते हो, मैं ट्रॉफी नहीं ला सकती? टीम, आप लोग प्लीज अंदर जाके कल की तैयारी कीजिए। आई एम कमिंग। वो एक्चुअली क्या है ना, कल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, तो इसलिए तैयारी जरूरी है। मेरी बात सुन, शाम को सोसाइटी के बाहर लंगर लगने वाला, उसकी तैयारी कर दो। एक मिनट, लंगर की कौन सी तैयारी होती है? ये बहुत चलाक है, इनकी एक टीम है पूरी, लंगर खाते ना जो बाहर भंडारा लगता है, अब वहां पे होती भीड़, तो लाइन लगती है, इसका हाथ नहीं पहुंचता है, तो इतनी चलाक है ना ये, मुंह में थोड़ा सा दही खा के ना सड़क पे गिर जाती है, कहती मुझे कुछ हुआ है। लोग इसकी तरफ आते हैं, इसकी टीम आती है, पूरा लंगर लेके निकल जाते हैं ये लोग, मुझे सब पता है। तुम कितनी आसानी से बातें बना लेते हो। देखो, बातें बनाना आसान है, पता है मेरा कंपटीशन कितना टफ था? तो गलत फील्ड में जाती क्यों? तो अपना वो किया करना जिसमें तेरा फोटे है, तू एक्सपर्ट है। सोसाइटी में हर साल फंक्शन होता है नाक बहाने का। कि यहाँ तक बहा लेती है। सोचो आप इतनी बड़ी लड़की जब ऐसे करती, कितना गंदा लगता है। मेरे घर से काफी लोग क्रिकेट में रहे हैं, ये बस जल क्रिकेट में रहे हैं, फुटबॉल में रहे, होश में नहीं रहते बस। अपनी फैमिली स्पोर्ट बताओ जो है उनकी, वो बताओ। फैमिली स्पोर्ट कौन सी होती है? इनके सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं ना, तो बड़ी अच्छी गेम खेलते हैं, सारे एक लाइन में खड़े रहते, फिर देखते हैं सबसे दूर थूक किसका जाता है। एक गेम खेलते हैं ये लोग। कितनी बकवास यार। देखो, मैं एटलीस्ट खेल तो सकती हूँ, मैं एटलीस्ट ट्रॉफी लाई तो हूँ, तुम तो खेल भी नहीं सकते। तुमने खेलना है? अब चलो, आप किसी को भी बोल दो बॉलिंग करने के लिए। उनको बोलो, उनको। अरे सर, उनको बोलो। उन्होंने एक बॉल कर को, मैं तो कहता हूँ करो इसका LBW कर दो। एक्चुअली हमारे पास नहीं तो हटेगी नहीं, हर बार दबाओ। लेके आओ जरा, अभी बैटिंग करेगी कि बॉलिंग? बैटिंग करो, बैटिंग करो। बैटिंग में मुंह टूटने का भी चांस है। अभी मैं कमेंट्री करता हूं, चलिए मैच शुरू होने जा रहा है। ओके, मैदान सजा हुआ है, बल्ले से भी छोटी मोहतरमा बल्ला उठा के मैच खराब करने को तैयार है। माँ मायके है, बाप रूठा हुआ है। चलिए आपने तो हमारा ड्रम सेट ही गिरा दिया। ये पाजी इसी शक्ल से कमाई आती है, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगी। दुल्हन, आपने सबसे ज्यादा विकेट आज तक कितने लिए हैं एक मैच में? टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए, वन इन अ मैच। एक ही मैच में 10? तो बाकी उस दिन क्या कर रहे थे? मिथाली, आपने भरतनाट्यम भी सीखा है? जी। भरतनाट्यम से तो वो फील्डिंग में बड़ी मदद होती होगी ना? कहीं पे बॉल
पर बैटिंग में क्या है, कैसे काम आता है भरतनाट्यम? स्पिनर्स को अच्छी तरीके से खेलना है तो यू शुड हैव अ गुड फुटवर्क. तो क्योंकि वीकेंड्स में मैं क्लासेस भरतनाट्यम क्लासेस जाती थी और वीकडेज में क्रिकेट क्लासेस, तो इट हेल्प मी अ लॉट इन हैविंग अ गुड फुटवर्क. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा टैलेंट हो उतना ही अच्छा. अच्छा मिताली तो भरतनाट्यम सीखी हुई है. वेदा, एक वीडियो में हमने देखा आप मेरे ख्याल से अंदर जा रही थी मैदान में, उसके पहले आप कुछ डांस कर रही मुकाबला गाने पे. अरे देखिए क्रिकेट के दिगंदाज लोग आए हुए हैं, आप सभी को हमारा बहुत बहुत लेग बाई. लेग बाई क्या होता है? अरे क्रिकेटर लोग के साथ यही होता है, हेलो हाय ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं है. अरे मिताली जी कैसी हैं आप? बढ़िया. मैंने हमने सुना कि आप कैप्टन हैं इस जहाज की. जरा जोक्स कर रहा है. झूलन जी कैसी हैं? आप फास्ट बॉलर है ना? हाँ जी सर. तो फिर आपका बड़ा भाई जरूर होगा. मतलब? नहीं आपको शायद पता नहीं है, बड़े भाई जो होते हैं ना बचपन में कभी बैटिंग करने नहीं देते, इसलिए छोटी बहन छोटा भाई दौड़ दौड़ के जोर से गेंद फेंकते हैं, तब बनते फास्ट बॉलर. आप पता कर लीजिए, कपिल देव से लेकर जहीर खान तक सबके बड़े भाई हैं. बड़ा भाई तो मेरा भी, मैं तो नहीं बना बॉलर. सिर्फ बड़ा भाई होने से नहीं होता है. तो फिर घर में बैट और बॉल ये दोनों चीज भी होना चाहिए. ये देखिए खाली बड़ा भाई, आप अपना मोबाइल बांटिए, आपके बस का नहीं है. बच्चा ये पहन के क्या है, क्या बन के घूम रहा है तू? अरे हम थोड़ा सा ना काम मांगने आए हैं. क्या क्या अपने मेंस क्रिकेट के अंदर लेडीज होते हैं ना चीयर लीडर, वैसे आप लोग के क्रिकेट में हम चीयर लीडर बनने के लिए तैयार हैं. और आप घबराइए मत, अपने ये क्रिकेट के अंदर वो चौका छक्का मारते तभी लेडीज नाचती है ना. हम आपके मैच में बता रहे हैं, आप दो रन मारिए, हम दो रन पे भी नाचेंगे. ऐसा दो रन दो रन दो रन दो रन दो रन. अगर तीन हुए तो? अरे तीन पे ऐसा स्टेप थोड़ा सा अलग हो जाएगा. कैसे? उसको ऐसे करेंगे, तीन रन तीन रन तीन रन तीन रन, ऐसे करके ना हम करीब 10 रन तक तो अपना उंगलियों पे मैनेज कर लेंगे. चौका? चौका तो अपना जो होता है यार, चार रन सेम है, ऐसा कोई फर्क नहीं. ऐसा मिला जुला के 10 रन तक तो हम ऐसे कर लेंगे, कभी किसी ने 15 मार दिया तो वो भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन 15 के ऊपर मार दिया तो फिर क्या, हम गिर जाएंगे, दोनों पैर हवा में नहीं होते. अच्छा तेरा दिमाग खराब है, 15 रन कौन मारता है, सिक्सर से ज्यादा कुछ नहीं होता नहीं? अरे मनुष्य बैठे इन्हें देखिए, एक आदमी जब 15 काम साथ में कर सकता है तो एक बॉल पे 15 रन क्यों नहीं मार सकता है? लेकिन सिद्धू जी हाँ. एक काम है जो आज तक आप कर नहीं पाए, बहुत काम किया आपने, एक काम नहीं किया. क्या नहीं कर पाए भाई? अरे आपने कभी हम पे शेर नहीं बोला. एक गलत बात हो गया है, देखिए आज आपको सुनहरा मौका दे रहे हैं और सुनहरी चीजें पहनकर भी आए हैं हम. चलिए हम पर एक शेर हो जाए आज, प्लीज सुना दूं? अरे खड़काइए. रास्ते का हर कांटा हट जाएगा. क्या बात है. कितना भी घना कोहरा हो एक दिन छट जाएगा. तू चला कर चला कर चला कर, मैं सच बोल रहा हूं, एक दिन तू फट जाएगा. ले ले लिया. अरे तू घर जाके सो, कुछ नहीं होता तेरा, इधर कुछ नहीं होना. नहीं नहीं चलिए चलिए ठीक है, हम आपको मायूस नहीं करना चाहते. आपको चीयर लीडर नहीं बनाना है, एक काम कीजिए एम्पायर बना लीजिए हमें. नहीं मजा आएगा, सच में मजाक नहीं कर रहे हैं. आउट देने के लिए हमको उंगली उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली ऐसे करेंगे. उंगली तो पहले से सर पे खड़ा है हमारे. और क्या मैच को एकदम एंटरटेनिंग बना देंगे, जैसे कि अभी 4 रन किसी ने मारा तो हम अपना स्टाइल होएगा 4 दिखाने का. देखिए ऐसा, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे, 4 रन हो गया. और किसी ने अगर वाइड दे दिया ना तो फिर आप देखिए शाहरुख खान स्टाइल में होगा, ये तो वाइड है. और अगर नो बॉल हुआ तो? नो बॉल? हाँ. अरे कमाल का बात करता है, अगर नो बॉल है तो इशारा क्यों करेंगे जब बॉल है ही नहीं.
कोई इशारा क्यों करेगा? ये तो बहाना है। इज्जतदार लड़कियां वहां पर क्रिकेट खेल रही हैं, फालतू का इशारे करने के लिए नहीं खड़े हम बात करते। ये तो बहाना बनाया तूने। कल डेड बॉल का बता। एक बॉल मर गया है और आपको इशारों की डेड बॉल के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, ठीक रहेगा? क्योंकि क्या है, देखिए एंटरटेनमेंट अपनी जगह है और सेंसिटिविटी अपनी जगह है। ऐसा क्या, सेंसिटिविटी थोड़ा हमारे दांतों में भी है, लेकिन चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में नमक है। नमक वैसा तो नमक दाल में होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में दाल बनती नहीं है क्योंकि क्या दाल बहुत महंगी हो गई। सिद्धु जी क्या हो रहा है, दाल इतना महंगा क्यों हो गया है? बच्चा ये क्या फालतू बोले जा रहा है? तो आप यहाँ पर कौन सा ट्रम्प का ऑल्टरनेट निकालने के लिए बैठे? देखिए मिताली जी, हम आपको बता रहे हैं, आप हमको कोच बनाइए, हम सब कुछ सिखा देंगे। देख क्रिकेट में कुछ नहीं है ज्यादा, इतना क्या है, एक बॉल होता है, हाँ, एक बैट होता है, हाँ, जो अपने घर से बैट लाता है, बैटिंग उसको पहले मिलता है कि नहीं? करेक्ट बात है कि नहीं? और क्या, बैटिंग एक बार मिल गया फिर क्या है? देखिए जो कांच तोड़ेगा पैसा वो भरेगा, वही रूल है क्रिकेट का, इसका कोई बड़ा बात नहीं। बच्चा ये तो गली में क्रिकेट खेलते ना, तो उसके रूल बता रहा है, ये इंडिया के लिए खेलते हैं। तो इंडिया में कांच नहीं होते हैं क्या? खुद का कुछ पता नहीं है, उनको क्रिकेट सिखाएगा? अरे क्रिकेट का हमको सब कुछ पता है यार, आपको पता नहीं है एक दिन में हमने 12-12 विकेट लिए हैं। कैसे? स्पोर्ट्स शॉप में गए, बोले 12 विकेट दो, उसने दिया, हमने ले लिया। मिताली जी हमने सुना है आप ऐसा डांस बीन्स करती हैं, हाँ। आइए ना हमारे साथ, एक एक डांस का स्टेप हो जाए, आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाचे हैं आप भी, अच्छा नाचे आप, ऐसे कह रहे हैं कि आप नहीं नाचती हैं, अच्छा नाचे, बहुत मजा आया, बड़ी खुशी हुई। तो कोच या फिर जो भी है अंपायर, आप डिसाइड कीजिए, टाइम लीजिए अपना, ऐसा कोई बात नहीं। अंपायर ठीक है, साइड स्क्रीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चलो जो भी है, आज फारेज आप हमको काम दे रहे हैं, हम खुश हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मौका मिलेगा फिर मिलते हैं, बाय। शुक्रिया। एक बार हमारी इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम के लिए जोरदार तालियां। आइए आप सब यहाँ पे आइए, आप सबके साथ एक सेल्फी, देखो मेरी सेल्फी भी रेडी थी, आइए इस तरफ आ जाइए। हरमन छुप गए आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू पाजी। कोई ऑडियंस में हमारे दर्शक कोई आए हैं जी? आप, हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू पाजी, आपके लिए एक सरप्राइज है, तो प्लीज अगर इजाजत है तो मैं स्टेज पर आना चाहूंगा। जी प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे तो मुझे लोग बोलते हैं कि सरप्राइज देने में मैं माहिर हूँ, तो आज मेरा ऐसा ही कुछ प्लान था, तो डेफिनेटली मैं सिद्धू सर को, आपको और किक्कू सर को एक सरप्राइज देना चाहूँगा। जी प्लीज। ओके। मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। भाजी आप भी एक खूबसूरत गिफ्ट धवल को भाई हमारी तरफ से। अच्छा हमें बड़े ऐसे कम शर्म आती है जब हमारे लिए आप कुछ कोई ऐसे खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। बड़ी इंस्पिरेशन है यार। थैंक यू मैम। गर्ल्स आज आप बड़े स्पेशल ओकेजन पे आई हैं, आज हमने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, सो आप सबको आपकी अचीवमेंट्स के लिए ढेर सारी मुबारकबाद।